हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीक्स गर्ल। और ये मेरे साथ है मिस्का। व्हाट इज योर नेम? मिस्का यादव। या मिस्का यादव बाबा। तो इसका नाम मिस्का यादव है और आपको पता ही है मैं कौन हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले तो ये कि अभी तक हम लोगों ने एरे टॉपिक खत्म कर लिया है, गीक्स फॉर गीक्स मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीरीज थी उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और उसमें हम लोगों ने एरे टॉपिक जो है वो खत्म कर लिया है। और अब जो दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग। सो आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, बट स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक्स ऑपरेशन देखेंगे। स्ट्रिंग है क्या और उसके कुछ ऑपरेशन, कैसे दो स्ट्रिंग हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग यूजर से स्ट्रिंग लेते हैं, और कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग में जो हमारा जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड को कैसे एक्सेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आई होप, मुझे इतना पता है कि आप लोगों को इतना तो आता ही होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी एक एक मतलब मेरे कंसर्न के लिए मैं कर रही हूँ। सो मिस्का, आप इन लोग से बात करो, क्या बात करोगे? हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हाँ, आप लोग कैसे हो? ठीक होंगे? हाँ, कैसे होंगे? तो चलिए, आपकी मम्मा बुला रही होंगी, आप जाओ, ठीक है? हाँ, लव यू बोल के जाना। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं और हम लोग स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है सीरीज को फॉलो कर रहे थे। सो फर्स्ट वाला जो हम लोग का टॉपिक है एरे, वो ऑलरेडी डन हो गया है, और जो स्ट्रिंग है हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो है वो पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है? तो स्ट्रिंग क्या है? सो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग आई स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल। I string variable contains a collection of characters surrounding by double quotes. सबसे पहले तो string है क्या? String एक class है, ठीक है, string एक class है। और जैसे कि हम लोग int करके एक variable को declare या initialize करते थे, ठीक है, int x ऐसे करके, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, string और कुछ भी variable करें, स्ट्रिंग एक्स करके हम लोग इसका क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब इक्वल टू के आगे हमने कुछ भी उसमें इनिशियलाइज कर दिया, उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और अगर हमने सिर्फ उसको स्ट्रिंग एक्स और सेमी कॉलम लगा दिया, इसका मतलब क्या है, डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग टाइप का वो वेरिएबल एक्स है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है वो कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला करके जो हमारा एक स्ट्रिंग स्ट्रीम बनी वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। सो उसको जो स्ट्रिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे, डबल कोट्स के अंदर वो होगा, कौन, कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स होंगे जो हमारे, वो डबल कोट्स के अंदर होंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। उसको हम देख के पहचान के बोल देंगे कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग है। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड असाइन इट्स अ वैल्यू। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग ग्रीटिंग करके हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर दी, ठीक है, एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर दी कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग जो हमारा ग्रीटिंग है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और उस ग्रीटिंग में जो हमने एक मेमोरी एलोकेट किया है उसके अंदर हमने हेलो को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद टू यूज स्ट्रिंग यू मस्ट इंक्लूड एन एडिशन हेडर फाइल इन दी सोर्स कोड स्ट्रिंग लाइब्रेरी, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है हमारा इंक्लूड, और फिर हमने स्ट्रिंग लिखा है, ये हमने एसटीएल लाइब्रेरी इंक्लूड यहाँ पे की है, ठीक है, क्या कोड लिखने से पहले। और ये जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी इसको इंक्लूड करेंगे तभी हमारा क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वरना एरर आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग ग्रीटिंग नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, ग्रीटिंग नाम से स्ट्रिंग टाइप का जो है उसके अंदर हमने हेलो क्या कर दिया, स्टोर कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रिंग का छोटा सा एग्जांपल था कि स्ट्रिंग क्या है और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रिंग में ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? पहला ऑपरेशन तो यही कि भाई स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन मीन्स ये हुआ कि एक स्ट्रिंग हमें दी हुई है और दूसरी स्ट्रिंग हमें दी हुई है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, पहली स्ट्रिंग है उसके बाद उसके नेक्स्ट में हमें दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए दो बहुत सारे मतलब दो ऑपरेशन है, एक प्लस है और एक अपेंड नाम का एक फंक्शन है, उसको हम लोग यूज करते हैं कॉन्कैटनेशन के लिए। किसके लिए? कॉन्कैटनेशन के लिए स्ट्रिंग का, दो स्ट्रिंग होना जरूरी है अगर हम कॉन्कैटनेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो। सो प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज बिटवीन स्ट्रिंग टू एड देम टुगेदर टू मेक अ न्यू स्ट्रिंग, दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटनेशन,
ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है. सो ये कोड जो है स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन का कोड है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जो इंक्लूड हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल लिया. ये क्यों लिया मैंने, क्यों लिया है? आईओ स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि इनपुट आउटपुट जो हम लोग देने वाले हैं उसको यूज करने के लिए, मतलब कि इनपुट मतलब क्या इनपुट कराएंगे और उस इनपुट को हमने क्या क्या हमें आउटपुट मतलब क्या प्रिंट कराना है. ठीक है, तो ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं किसी रीड करने के लिए और प्रिंट कराने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी एसक्यूएल लाइब्रेरी है उसमें हम लोग जो ये हमारा हेडर फाइल है, ठीक है, आईओ स्ट्रिंग, उसका यूज करते हैं. ठीक है, और आपको पता है कि स्ट्रिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रिंग में हम लोग हैज इंक्लूड स्ट्रिंग जो हमारी लाइब्रेरी है उसको यूज करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हमने यूज किया है. ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट देने के लिए. अब इसके बाद क्या होगा, इन हमारा मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग टाइप का फर्स्ट नेम वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने गीक्स जो है वो स्टोर करा दिया. अब दूसरा जो हमने लास्ट नेम लिया है वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, उसके अंदर हमने गर्ल जो है उसको स्टोर करा दिया. अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई जो गीक्स है वो एक अलग स्ट्रिंग है और जो गर्ल है वो हमारा एक अलग स्ट्रिंग है. अब दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्कैटनेशन करना है. गीक्स पहले आए उसके बाद में तुरंत हमारा क्या आ जाए, गर्ल आ जाए. ठीक है, तो अगर 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 ये ऐसा कॉन्कैटनेशन करना है तो हम देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक स्ट्रिंग टाइप का फुल नेम वेरिएबल लिया है. वो क्या कर रहा है, इक्वल टू में हमने क्या किया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम के अंदर हमारा गीक्स स्टोर है इसलिए हमने इसको फर्स्ट नेम लिखा, और प्लस में लास्ट नेम के अंदर हमारा गर्ल स्टोर है तो हमने गर्ल यहाँ पे हमारा गर्ल नेम गर्ल जो है वो एक्सेस हो जाएगा. सो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और हम लोग अगर सी आउट करके मीन्स क्या हो तो मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोग प्रिंट करा रहे हैं. सो सी आउट और हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, ये है जो हमारा एक्सटेंशन ऑपरेटर है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, फुल नेम लिखेंगे, और जैसे ही फुल नेम लिखेंगे और इसको रन कराएंगे तो हमारा गीक्स गर्ल हमारा आउटपुट जो है वो देखिए यहाँ पे ये चीज आ गई है. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया गीक्स गर्ल. ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, तो ये तो हमारा था कि प्लस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मतलब कॉन्कैटनेशन के लिए दो ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस हो गया है. ठीक है, एक है दूसरा ऑपरेटर, वो कौन है, वो फंक्शन है, और वो कौन सा फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है. ठीक है, सो अपेंड फंक्शन की हेल्प से देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं. हाँ, एक और चीज जो हमारा हम लोग अभी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का कॉन्कैटनेशन कर रहे थे, उसके बीच में जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में फॉर्म वगैरह हम भरते हैं तो बीच में स्पेस होता है, तो बस उस स्पेस को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम स्पेस को, यहाँ पे स्पेस है हमारा. ठीक है, इस स्पेस को हमने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर रख दिया. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्पेस आ गया गीक्स गर्ल्स के अंदर, गीक्स के बाद स्पेस, फिर गर्ल हमारा प्रिंट होगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा जो हम ये स्पेस जो हम ये गैप ला रहे हैं, ये गैप जो हमारा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो डबल कोट में हमारा जो स्पेस है उसकी वजह से आ रहा है. ठीक है, और सिंगल कोट के अंदर भी हम स्पेस ला करके उसको क्या कर सकते हैं, गीक्स गर्ल के बीच में गैप ला सकते हैं. ठीक है, तो डबल कोट भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट भी यूज करते हैं. ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल कोट यूज किया. ठीक है, तो वो भी यूज करते हैं, डबल कोट भी सिंगल कोट भी. लेकिन इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग मतलब डबल कोट्स वाला क्यों करें और सिंगल कोट्स वाला काम कर रहा है, तो क्यों हम डबल कोट्स वाले के पास जाए, उसे बोले कि भाई तुम यहाँ पे स्पेस छोड़ो दोनों स्ट्रिंग के बीच में, ऐसा क्यों करें? तो यहाँ पे कुछ मतलब एक ही डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे इस वाले जो कोड में, जो हमारा ये वाला कोड है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं रखोगे, ठीक है, स्पेस नहीं रखोगे तो हमारा गीक्स और तुरंत उसके बाद गर्ल हमारा आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ दो डबल कोटेड लगा रहे हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने कोई स्पेस नहीं दिया. ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि गीक्स गर्ल हमारा आउटपुट आ जाएगा बिना गैप के, उसमें कोई गैप नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या किया कि सिंगल कोड हमने यूज किया, तो सिंगल कोड के अंदर हमारा कोई गैप नहीं है. ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, सिंगल कोड के अंदर हमारा कोई गैप नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, एरर आएगी. ठीक है, सो एरर क्यों आएगी, एरर आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंगल कोड के अंदर हम कोई भी स्पेस यूज नहीं करेंगे तो एज इट इज हमारी जो स्ट्रिंग थी विदाउट स्पेस गीक्स गर्ल वो प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है. ठीक है, हम लोग जो है सिंगल कोड किस लिए यूज करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए. ठीक है, और हमने उस कैरेक्टर कांस्टेंट में हमने कोई भी मतलब कुछ भी हमने दिया ही नहीं, क्योंकि एक स्पेस भी हमारा क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है. ठीक है, सो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सो इस वजह से हमारी क्या आएगी, एरर आएगी. और स्ट्रिंग के केस में क्या है कि हम गैप नहीं दे रहे हैं तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं आएगी, आराम से जो हमारा स्ट्रिंग जो हमने गिवन किया है वो सीधे एज इट इज हमारी प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, तो अब ये हो गया.
अब इसके बाद वही चीज है कि हम लोग कॉन्केटनेशन के लिए दो प्रेशन यूज करते हैं, प्लस भी यूज कर सकते हैं और अपेंड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बस अब बात यहाँ पे ये आए कि भाई प्लस यूज कर सकते हैं, अपेंड यूज कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों भाई दूसरे की जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों? तो भाई ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस बस क्या है, स्पीड का, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट अपेंड फंक्शन इज मच फास्टर, जो हमारा अपेंड फंक्शन है वो मच फास्टर है इससे, जो प्लस ऑपरेशन है उससे, ठीक है। लेकिन जब यूजर है ना, जैसे कुछ आलसी लोग होते हैं, वो सोचते हैं अपेंड फिर ब्रैकेट लगाओ, अरे बाप रे कितना मतलब बड़ा है ये, तो काफी टाइम लगेगा, तो हम लोग बहुत ही सोचते हैं कि बस यूजर के हिसाब से जो सिंपल एक ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, सीधे उसने प्लस लगाया और स्ट्रिंग को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो बस यहाँ पे यही है यूजर के लिए, भाई प्लस बहुत ही सिंपल है प्लस लगाना, और एक जो सिस्टम है उसके लिए अगर हमें स्पीड थोड़ा देखनी है कि भाई जल्दी हमारा आउटपुट आए, अगर मान लो हमारा 0.4 सेकंड में हमारा आउटपुट आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर 0.02 में आ जाए, ठीक है, तो भाई उसके लिए हम अपेंड यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम आलसी हैं, हम नहीं चाहते कि भाई इसमें हमें मतलब ये है कि भाई हमारा आउटपुट आए बस उसके लिए, तो हम आलसी इंसान, हम लोग क्या करेंगे, सीधे प्लस को यूज कर लेंगे, प्लस ऑपरेटर को, ठीक है, क्या करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए, कॉन्कैट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम डॉट अपेंड, और जो हमने ब्रैकेट था उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, वो क्या किया है, जिसको हमें, जिस स्ट्रिंग को हमें अपेंड करना होगा उसको, ठीक है। सो फर्स्ट नेम के बाद हमें क्या अपेंड करना है, लास्ट नेम आना चाहिए। तो फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम अपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, और जो अपेंड के अंदर जो ब्रैकेट होगा, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करना है, उसके अंदर क्या होगा, जो जिस स्ट्रिंग को हमें अपेंड करना है वो स्ट्रिंग हम लिख देंगे, उस स्ट्रिंग को लिख देंगे, या फिर उस स्ट्रिंग का जो हमने वेरिएबल को स्टोर किया है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो गर्ल्स को स्टोर किया है, तो लास्ट नेम यहाँ पे गीक्स गर्ल आ जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन विदाउट स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ठीक। सो विदाउट स्पेस जस्ट एज इट इज जो हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि अपेंड का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा लास्ट, पहली वाली स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर खत्म हुआ, सीधे उसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर से हमने, नेक्स्ट वाले इंडेक्स से हमने क्या किया, सीधे दूसरी वाली स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक। अगर आपको स्पेस लाना है तो आप डबल कोट के अंदर स्पेस लिखिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो दूसरा वाला, इसके आगे जो हमारे ऑपरेशन होंगे वो क्या होंगे, तो यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिंग के ऑपरेशन जो थे वो हो गए अपेंड तक, ठीक है। हमने स्ट्रिंग को जोड़ दिया है, फर्स्ट स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग। अब इसके बाद उसका साइज कितना हुआ, ठीक है। सो साइज को हम कैसे पता लगाएं, इसके लिए क्या होगा कि स्ट्रिंग की साइज को पता लगाने के लिए हमारे पास एक साइज फंक्शन होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, साइज का पता लगाते हैं कि भाई स्ट्रिंग जो है वो हमारी इतनी लेंथ की है, ठीक है। और एक लेंथ फंक्शन भी होता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रिंग का जो साइज है उसको पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का साइज जो है वो क्या है। तो दो फंक्शन होंगे, एक होगा साइज की हेल्प से और एक होगा लेंथ की हेल्प से, ठीक है। दोनों फंक्शन है, उनकी उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का जो साइज है उसको पता लगा सकते हैं कि कितना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हो, ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें सारे 26 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सारे 26 कैरेक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है जो स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर मैं डबल कोट के अंदर ए से लेकर के जेड तक के सारे मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए हैं, जो एक तरीके का क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स के अंदर है तो भाई स्ट्रिंग है ये, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने उस जो स्ट्रिंग है मेरा, उसको मैंने प्रिंट कराने के लिए टेक्स्ट डॉट साइज लिखा है, ठीक है। यहाँ पे साइज, जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट के बाद साइज लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि तुरंत क्या हुआ, साइज फाइंड आउट करने लगा हमारा कोड, ठीक है। और इसका साइज क्या है, 26, ठीक। सो ये जो हमारा साइज होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और वो क्या प्रिंट हो गया, 26। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 26 हमारा क्या हो गया, इसका आउटपुट आ गया, आउटपुट क्या आ गया हमारा, 26। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे 26 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे साइज की जगह आप लेंथ क्या है, लेंथ को इंक्लूड करते, लेंथ और ब्रैकेट, तो फिर हमारा 26 आउटपुट आता, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब क्या होगा कि हमारा साइज भी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब जो स्ट्रिंग हमें गिवन है उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि यू कैन एक्सेस द कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, हम एक स्ट्रिंग गिवन होगी उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर इन साइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि एक हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास एरे होता था, ठीक है। सो एरे को हम क्या नाम देते थे, ए। और तो अगर एरे का हमें कोई भी एलिमेंट है हमें एक्सेस करना, मान लो हमें इंडेक्स 1 पे हमें जो एरे की वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमें एक्सेस करना, तो हम क्या लिखते थे, ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था, जैसे कि हम लोग एरे को करते थे तो ए ऑफ और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखते थे, इसका मतलब ये होता था कि हमारे 1 इंडेक्स की जो वैल्यू थी उसको हम लोग एक्सेस कर लेते थे। सेम स्ट्रिंग के केस में है,
क्योंकि स्ट्रिंग जो हमारी है वो कैरेक्टर से मिलके बनी है, ठीक है, और जो कैरेक्टर्स है हमारे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। सो अगर हम एक तरीके से एक स्ट्रिंग, अगर हम एक ही जगह स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दें और एक एरे बना दें और उस एरे में ये पूरा जो स्ट्रिंग है हम पूरा उसको स्टोर कर दें, ठीक है, सो एक एक ब्लॉक के अंदर हमारा एक एक कैरेक्टर आया और उस पूरे ब्लॉक को हमने मिला करके कि स्ट्रिंग बोल दिया था, बस वही चीज़ें हैं। तो क्या होगा कि हम हर एक एक ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए जिस तरीके से हम एरे में ऑपरेशन परफॉर्म करते थे बिल्कुल यहीं पर सेम करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा कोड है, ये हम लोगों का कोड है, ठीक है, और इस मेन फंक्शन में मैंने माय स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने हेलो लिखा, सिंपल सा हेलो, डबल कोट के अंदर है तो हेलो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि मुझे जैसे ही मैंने हेलो लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक नाम हो गया, क्या हो गया, माय स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल हुआ, ठीक है, उस माय स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में जैसे ही हुआ यहाँ पे ये एरे बन गया और इस पर मैंने क्या कर दिया, एच और ई और एल और यहाँ पे एल और यहाँ पे ओ, लास्ट में क्या जाएगा, नन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि स्ट्रिंग को जब हम एक कैरेक्टर मतलब एक इस तरीके के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि एक कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग क्या हो रही है, मिलके बनी है। तो एक एक कैरेक्टर को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, सो लास्ट में हमारा नल कैरेक्टर इंक्लूड ऑलरेडी होगा, ठीक है। अगर आप एरे का साइज बढ़ा दोगे, मीन्स अगर आप एरे यहाँ पे और बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे नल कैरेक्टर तो हमें मिलते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। सो जैसे ही हमारी स्ट्रिंग खत्म हुई, सो लास्ट तक क्या होगा कि स्ट्रिंग खत्म होने के बाद सारे हमारे नल कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर होने लगेंगे, ठीक है। सो बस यही चीज़ है यहाँ पे, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो अब क्या होगा कि हमें एच जो हमारा पर्टिकुलर कैरेक्टर है जीरो इंडेक्स पे होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ये हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे हमारी जो इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पे जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ से होगी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6, ठीक। तो क्या होगा कि ये हमारी इंडेक्सिंग हुई, जीरो से होना स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हमें जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है और जो वैल्यू है वो क्या है, एच है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माय स्ट्रिंग जो इसका नाम है माय स्ट्रिंग और ब्रैकेट में जीरो लिख करके क्या होगा, हमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ गया, एच हमारा आउटपुट आ गया इसको रन कराने पर, ठीक। इसी तरीके से क्या होगा कि हमें इंडेक्स 5 पे जो कैरेक्टर है उसको हमें एक्सेस करना है, तो इंडेक्स 5 पे नल है, तो बस यहाँ पे कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं आया, सीधे नल आ गया, ठीक है। सो ये हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ठीक। तो ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमें चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि जो हमारा हेलो था, ये देखिए जो हमारा हेलो था, एच की जगह हमें क्या करना है, एच की जगह हमें जे करना है, जेलो लिखना है, ठीक है। सो एच की जगह हमें जे करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें एच के अंदर हमें जे हमें मॉडिफाई करना है, जे लिखना है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम क्या करेंगे, जो हमारा माय स्ट्रिंग था, ये जो हमारा माय स्ट्रिंग था, ये जो माय स्ट्रिंग है, इस माय स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स सही है, तो जीरो इंडेक्स पे मैं क्या करूँगी, इक्वल टू लिखूंगी सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कौन स्टोर है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट मुझे उस बॉक्स के अंदर डालना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सिंगल कोड के अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, जे, ठीक है। सो ये मैंने जे लिख दिया है किसके, सिंगल कोड्स के अंदर। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। मुझे याद है कि मैं गेट एग्जाम दे रही थी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम गेट होता है, तो मैं उसको गेट एग्जाम दे रही थी, तो गेट एग्जाम में सिर्फ इसी लॉजिक पे एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, कि मतलब हमें क्या करना था कि एक स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना था और उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था कि कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, एक सिंगल कोट के अंदर एक कैरेक्टर लिख दिया था और एक डबल कोट्स के अंदर लिख दिया था, ठीक है। और हमें उसमें क्या करना था, कुछ नाम था, कुछ जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए गिग्स गर्ल है, ठीक है, तो गिग्स गर्ल के अंदर मुझे जीरो स्टोर कराना है, ठीक है, गिग्स गर्ल के अंदर गिग्स जो है उसके बाद मुझे जीरो लाना है और फिर उसके बाद गर्ल को, ठीक है। तो गिग्स गर्ल जो है उन दोनों स्ट्रिंग के बीच में मुझे जीरो स्टोर कराना, जीरो मेरा प्रिंट होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि जीरो जो है वो डबल कोट करके लिखा था इसी तरीके से, ठीक है, एरे के अंदर ये उन्होंने एक वेरिएबल लिया था, मान लो माय स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया था, जीरो के अंदर जीरो इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर जीरो लिखा था और एक ऑप्शन था डबल कोट के अंदर जीरो लिखा था और दो ऑप्शन और अदर्स दिए थे, ठीक है।
तो बस वहां पे यही इतना बड़ा एग्जाम होता है, उस एग्जाम में ये और इतनी छोटी सी चीजें पूछी गई थी और बहुत ही माइनर सी चीज है, लेकिन बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके का क्या है, हर एक चीज समझने की यहाँ पे जरूरत होती है। वो लोग पकड़ते हैं कि इस चीज पे तो कितना कोई ध्यान नहीं देता ऐसा कुछ, तो बस इसलिए पूछ लिया उन्होंने, जो बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत से लोगों ने गलत किया। सब लोगों ने डबल कोट्स ला के आ गए थे कि हाँ डबल कोट्स वाला सही हो, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमें स्टोर करना है तो हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो बस डबल कोट्स के अंदर वो ऑप्शन सही लगा करके आ गए। बट क्या था, गलत, क्योंकि स्ट्रिंग तो ठीक है लेकिन जो हम लोग करते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्टोर हो रहा है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें इस, अगर हम जे यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे तब जाकर के यहाँ पे हमारा जे आएगा, तो हमारा यहाँ पे आके एच की जगह क्या आ जाएगा, जे, और हमारा प्रिंट क्या होगा, जेलो। तो यहाँ पे जेलो हमारा आउटपुट में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये माई स्ट्रिंग जो है, माई स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे जीरो मेंशन करके इक्वल टू और सिंगल कोट में जे लिखा है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो जेलो आ गया है, आउटपुट प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट लिखती तो डबल कोट जैसे ही मैंने लगाया जे के अंदर, क्योंकि सब लोगों ने टिक करके आए थे डबल कोट, तो सब लोगों ने ही ऑलमोस्ट लोगों ने, तो क्या हुआ कि डबल कोट के अंदर हम जे लिखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आप यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे एरर दिख रहा है, ठीक है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्टेंट कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है उसको तो हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करते नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा, हमें सिंगल कोट के अंदर हमें जे लिखना होगा, तब जाके वहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है, जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होने वाला है वो क्या है, यूजर इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर इनपुट स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि हमें हमें क्या करना है कि रन, जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, रन कराने के बाद जो रनिंग टाइम में हमें क्या करना है, यूजर से बोलना है कि भाई तुम एक इनपुट स्ट्रिंग करो और देखना मैं आउटपुट निकालता हूँ, ठीक है। सो यूजर के द्वारा स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। सो बस उसको हम क्या बोलेंगे, यूजर इनपुट स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को यूजर के द्वारा हम स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सी इन फंक्शन जो होता है, आपको जैसे पता है कि प्रिंट कराने के लिए हम लोग सी इन फंक्शन का यूज करते हैं, और ये एक्सेप्शन हमारा सॉरी सी इन फंक्शन का जो सॉरी सी इन फंक्शन जो सी आउट होता है वो प्रिंट कराने के लिए होता है। सी इन जो फंक्शन है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सी इन जो है वो हम यूज करते हैं इनपुट जो हमारा होता है रीड करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में क्या होगा कि हम सी इन और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो सी इन लिख करके और जो एक्सट्रैक्शन जो हमारा ऑपरेटर है उसको लगा करके, दूसरा कलर लिखी हूँ, एक्सट्रैक्शन जो हमारा ऑपरेटर है उसको लगा करके और हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखाया है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हो, इनपुट करा सकते हो स्ट्रिंग, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि एक मैंने सी आउट नाम से टाइप योर फर्स्ट नेम, सी आउट नाम मैंने एक प्रिंट कराया टाइप योर फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा टाइप हो गया और फर्स्ट नेम टाइप होने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, यूजर से पूछ रही हूँ सी इन एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर है वो लगा करके फर्स्ट नेम मैंने लिखा। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मैं यूजर से पूछ रही हूँ कि भाई आप इनपुट यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट कराओ यूजर से, ठीक है। यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड से अपना जो एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, मैं जैसे मान लीजिए कि मेरा नेम है नीलू पांडे, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यूजर हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये लाइन देखा सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फर्स्ट नेम, तो मैंने सीधे अपना क्या किया कि यूजर से इनपुट कराया, मतलब मैंने क्या किया सीधे नीलू लिखा और स्पेस में पांडे लिखा, ठीक, स्पेस के बाद पांडे मेरा फुल नेम हो गया। अब मुझे क्या करना होगा कि ये मैंने यूजर इनपुट कराया, अब मुझे चाहिए आउटपुट, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, जो मैंने इनपुट कराया है वो मुझे आउटपुट डिस्प्ले में दिखना चाहिए, ठीक है। सो अब वो कैसे दिखेगा, सी आउट मैंने लिखा यहाँ पे और योर नेम इज और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा मैंने, जो भी मैंने यूजर इनपुट कराया वो फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर था, तो फर्स्ट नेम जैसे ही मैंने लिखा तो मेरा जो नाम था वो डिस्प्ले हो गया, लेकिन जो मेरा नाम था डिस्प्ले जो हुआ वो नीलू ही होगा। मैंने तो डाला नीलू स्पेस पांडे, मैंने क्या डाला, ये देखिए मैंने इनपुट डाला कीबोर्ड से नीलू पांडे, ये बीच में स्पेस है, लेकिन जो मेरा आउटपुट आया वो क्या आया, नीलू अकेला स्पेस वाला और स्पेस के बाद जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो तो आए ही नहीं, ठीक है। सो बस यही डिसएडवांटेज है सी इन ऑपरेटर का यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले जो स्ट्रिंग है वो करा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो अगर जैसे ही हमें पता चला कि भाई फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद स्पेस है कहीं, क्योंकि क्या होता है कि सी इन जो है हमारा वो क्या सोचता है कि वो टर्मिनेट तब होता है जब दिखता है कि भाई स्पेस है
या फिर कोई टैब है, ठीक है, तो वो क्या होता है टर्मिनेट, मतलब वो एक टर्मिनेशन हमारी कंडीशन बन जाती है स्पेस में कि भाई जैसे ही स्पेस हमें दिखा तो हम दूसरे चीज पे चले गए, ठीक है। तो अगर यहाँ नीलू के बाद स्पेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलेगा कि अरे स्पेस देखा है ऐसी, वैसे बोलेगा कि अरे आगे तो कुछ है ही नहीं, बस नीलू प्रिंट कर दो, बस आगे कुछ नहीं है, अंधाधुंध में बढ़िया बोलेगा आगे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, स्पेस के बाद पांडे है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस यही डिसएडवांटेज है, और इस चीज को क्या करने के लिए हम लोग नीलू पांडे जो पूरा नेम है उसको प्रिंट आउट, उसको प्रिंट करने के लिए, उसको यूजर द्वारा जो हमने इनपुट दिया है उसको एज इट इज हम आउटपुट में लाने के लिए, स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, गेट लाइन फंक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरा गेट लाइन फंक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा है गेट लाइन फंक्शन, ठीक है, GETLINE और फंक्शन, ये मैंने ब्रैकेट लगाया। तो मैंने यहाँ पे सी इन फंक्शन, जो गेट लाइन फंक्शन है उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए हैं, सी इन और फुल नेम, जो हमारा जो हम इनपुट करा रहे हैं यूजर द्वारा उसको हम कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट करा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे फुल नेम, मैंने क्या किया फुल नेम यहाँ पे पास किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट योर नेम इज, फुल नेम मैंने लिखा अपना नाम नीलू पांडे। सो यहाँ पे आउटपुट में आप यहाँ देख सकते हो टाइप योर फुल नेम, और यहाँ मैंने कीबोर्ड से इनपुट कराया, ये मैंने कीबोर्ड से इनपुट कराया अपना नेम, और तो मेरा क्या होगा कि नीलू पांडे एज इट इज मेरा जैसा मैंने इनपुट कराया था बिल्कुल वही डिस्प्ले होकर के आ गया, ठीक। सो यहाँ पे ये चीजें हैं, ओके। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो, जैसे हम लोग अभी इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग वर्सेस हमारा कैरेक्टर एरे क्या है, ठीक है। सो स्ट्रिंग है हमारी, और एक हमारा एरे है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है ये हम देखने वाले हैं। सो अ कैरेक्टर एरे इज अ सिंपल सिंपली एन एरे ऑफ कैरेक्टर। एरे ऑफ कैरेक्टर मीन्स क्या हुआ कि एक हमारे पास एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो कैरेक्टर टाइप के हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कैन बी टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, जैसे कि हम लोगों ने उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने एक एरे के फॉर्म में लिखा था तो लास्ट में नल कैरेक्टर हमने इंक्लूड किया था, बस वही चीज़ है, ठीक है। अ स्ट्रिंग इज अ क्लास विच डिफाइंस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम पहले हम मैं बता चुकी हूँ आपसे कि हमारी स्ट्रिंग जो है एक तरीके की क्लास है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। क्लास का होता है कि क्लास जो है वो मेमोरी को एलोकेट नहीं करती, क्लास जो है मेमोरी को एलोकेट नहीं करती, मेमोरी को एलोकेट कौन करता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फंक्शंस के अंदर हम लोग कोडिंग करते कोड करते हैं और बताते हैं कि भाई ये इसकी मेमोरी है इंट एक्स इंट वाई स्ट्रिंग एक्स स्ट्रिंग वाई ऐसे करके, ठीक है। तो सारा जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो होंगे वो सारे फंक्शन यूज होंगे, और फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर है तो वो मेमोरी एलोकेट करेगा, क्लास है क्लास मेमोरी एलोकेट नहीं करती। सो दैट बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सो जो हमारी स्ट्रिंग है वो डिफाइन करती है ऑब्जेक्ट को, और जो ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो साइज ऑफ द कैरेक्टर एरे हैज टू एलोकेट स्टैटिकली, जैसे हम लोगों ने क्या किया कि एक एरे को डिफाइन किया, ठीक है, हमने बोला कि भाई वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि एरे ऑफ कैरेक्टर के केस में क्या होगा कि जो हमारा साइज है एलोकेशन का साइज है वो हमारा स्टैटिकली होगा। स्टैटिकली मतलब ये कि रन टाइम में हम साइज को बढ़ा नहीं सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, ठीक है, जो साइज फिक्स है वही रहेगा, ठीक है, एज अ रन टाइम, ठीक है। मोर मेमोरी कैन नॉट बी, यहाँ पे देखिए मोर मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड एट रन टाइम इफ रिक्वायर्ड, अगर हमको रिक्वायर्ड होगी रन टाइम पे कि भाई दूसरी और मेमोरी ले ले, बट को हम नहीं उसको एलोकेट कर पाएंगे। ये किस केस में होगा, ये होगा कैरेक्टर ऑफ एरे के केस में, ठीक है। अनयूज्ड एलोकेशन मेमोरी इज वेस्टेड, जैसे मान लीजिए पहले हमने बहुत सारी मेमोरी ले ली, हमें पता नहीं है, हम सोच रहे हैं कि भाई आगे चल के हमें मेमोरी की जरूरत ना पड़े, तो हम क्या करेंगे पहले बहुत सारी मेमोरी लेने वाले हैं, ले लेंगे इस केस में कैरेक्टर ऑफ एरे के केस में, एरे ऑफ कैरेक्टर के केस में, ठीक है। सो हमने बहुत सारी मेमोरी ले ली, लेकिन बाद में हमारी यूज हुई कितनी, थोड़ी सी, तो सारी मेमोरी हमारी क्या हो गई, वेस्ट हो गई, ठीक है। सो वेस्ट हो गई, बस ये चीज़ है। और अगर जो हमारा स्ट्रिंग का केस है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि मेमोरी जो हमारा एलोकेशन है वो डायनामिकली होता है। इसका मतलब ये हुआ, डायनामिकली मतलब कि हम अगर ऐसी कोड को रन कराएंगे और हमें ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा मेमोरीज की, तो हम क्या कर देंगे, सीधे वो एलोकेट हो जाएगी हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है, और हम उसको एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग ले सकते हैं, तो उसको हम बोल देंगे क्या कि डायनामिकली। तो स्ट्रिंग के केस में ऐसा होता है, ठीक है। मोर मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एट रन टाइम ऑन डिमांड, जैसे हमें डिमांड बढ़ती जाएगी हम अपना मेमोरी का साइज जो है बढ़ाते जाएंगे। एज नो मेमोरी इज प्री एलोकेटेड, कोई भी हमारी मेमोरी जो होती है वो प्री एलोकेटेड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्या है, क्लास है, तो हमारी प्री एलोकेटेड नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर जैसे ही हम लोग कोड करते जाते हैं, रन कराते जाते हैं, हमें जरूरत पड़ती जाती है, तो हमारे क्या होने मेमोरी जो है वो एलोकेट होने लगती है, होती जाती है, ठीक है। लेकिन एरे ऑफ कैरेक्टर के केस में क्या होगा, वही फिक्स रहेंगी, ठीक है, कुछ भी मेमोरी एक्स्ट्रा हमारी एलोकेट नहीं होगी।
ठीक है। और जो और मेमोरी हमारा जो होगा, पहले हम ज़्यादा ले लेंगे तो वेस्टेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, कि हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। और जो हमारा जो स्ट्रिंग का केस है, उसके केस में क्या है कि हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और हमारी मेमोरी भी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ करेंगे। अब क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैरेक्टर एरे इज फास्टर देन एसटीडी और स्ट्रिंग, ठीक है। जो हमारा कैरेक्टर एरे है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो फास्टर होता है किससे, स्ट्रिंग से, ठीक है। स्ट्रिंग आर स्लोअर व्हेन कंपेयर टू इम्प्लीमेंटेशन दैट कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग जो होती है वो स्लो होती है। सो कैरेक्टर एरे डू नॉट ऑफर मच इनबिल्ट फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा कैरेक्टर एरे है वो इनबिल्ट जो फंक्शन है वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करता, ऑफर नहीं करता, उसके अंदर वो इनबिल्ट फंक्शन है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। और स्ट्रिंग क्लास डिफाइन अ नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज विच अलाउज मैनी फोल्ड ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। तो क्या होगा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, जिसको हम स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन करने के लिए या स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि अपेंड है फंक्शन है, ठीक है, साइज तरीके का हमने साइज लिया था, साइज को डिफाइन करने के लिए कि भाई साइज फाइंड आउट करने के लिए कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे ऐसे फंक्शंस ऑलरेडी इनबिल्ड हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। अब एक बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स है, एक तरीके का कैरेक्टर्स ही है। और जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक की रेंज में होते हैं, 0 से 256 रेंज तक के। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बाइट, ठीक है। तो 0 से 255 हमारा जो होगा वो रेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे एक चीज ये समझ सकते हो कि जैसे कि हमें एक एरे दी गई थी, ठीक है, एरे को हमें क्या करना होता था, शॉर्ट करना था। तो हम क्या करते थे, एसटीएल लाइब्रेरी शॉर्ट फंक्शन यूज करते थे, है ना। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता था शॉर्टिंग करने का, वो कितना होता था, एन लॉग एन, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांटेज हमारा ये है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में पूछा गया ये चीज़ कि स्ट्रिंग के केस में अगर उन्होंने कोई स्ट्रिंग दे दी और बोल दिया कि भाई आप इसको शॉर्ट करो, तो अगर नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में उसको शॉर्ट कर देगा, बोल देगा कि हाँ भाई शॉर्ट फंक्शन लगाया और एरे पास कर दी पूरी, ठीक है, कैरेक्टर एरे पास कर दिया और शॉर्ट हो गया हमारा। लेकिन अगर स्ट्रिंग के केस में क्या होगा कि अगर हमने एक तरीके का स्ट्रिंग के केस में हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिग एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 255, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे उसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम में शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक, किसके केस में, स्ट्रिंग के केस में। तो ये चीज़ कैसे होगा, काउंटिंग शॉर्ट से, ठीक। सो क्योंकि रेंज हमें पता है, फिक्स रेंज है 0 से 255, तो भाई रेंज हमें पता है तो हम काहे उसमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में जाए, हम सीधे काउंटिंग शॉर्ट यूज कर लेंगे, फिक्स साइज है भाई हमारा, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एरे है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई एरे है, इस एरे में हमने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, मान लीजिए एन दे दिया, ठीक है, अब मेरा ही नाम समझ लीजिए, एन डबल ई एल यू, यहाँ डबल ई और यहाँ पे हो गया एल और यहाँ पे हो गया यू, ठीक है। मुझे इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में शॉर्ट कर लूंगा, मेरा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डबल ई, ई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ पे एन आ जाएगा और लास्ट में यू आ जाएगा, तो डबल ई एल एन यू, ये हमारा शॉर्ट हो करके आउटपुट आ गया। और कितने में आ गया, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में आ गया, किससे आ गया, काउंटिंग शॉर्ट से आ गया, ठीक है। सो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज था स्ट्रिंग का, ठीक है, स्ट्रिंग के केस का। सो बहुत ही इंटरव्यू में पूछा भी गया ये चीज़ें, क्योंकि बहुत ही माइनर चीज़ है लेकिन लोग मिस करते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम की क्या होती है, एक क्लास होती है विच अलाउ इन, देखिए यहाँ पे, इन स्ट्रिंग स्ट्रीम क्लास इन C++ अलाउ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रीम, ठीक है, इट इज यूज टू ऑपरेट ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग जो स्ट्रीम हमारी क्लास है वो स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करती है, बाय ट्रीटिंग अ स्ट्रिंग एज अ स्ट्रीम वी कैन परफॉर्म एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्ट्रिंग और इंसर्शन टू द स्ट्रिंग, जस्ट लाइक सी इन और सी आउट स्ट्रिंग, ठीक है। जो हमारे सी आउट सी इन जैसे हमारे फंक्शन काम करते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, स्ट्रिंग स्ट्रीम की हेल्प से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका सबसे, अभी भी आपको थोड़ा ये समझ नहीं आया होगा अब, लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ उससे एकदम क्लियर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही स्वीट सा एग्जाम्पल है, उसको हम लोग लेने वाले हैं, और वो जो एग्जाम्पल है वो ये है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, हमारे पास एक एरे है और ये आप देख सकते हो मेन फंक्शन ये है,
जैसे कि हमारे पास एक यानी कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या है कि स्ट्रिंग एस एस नाम का एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का है, और उस एस नाम के वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर कराया है, एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है, ठीक है। आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच नाम का, ठीक है। क्या मैंने लिखा, आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक मैंने प्रिंट वर्ड नाम से एक फंक्शन किया है, पहले मैं बता दूँ ये क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले क्या होगा कि हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग जो होगी वो स्ट्रिंग क्या होगी, कैरेक्टर से मिलके बनी होगी, लेकिन अगर मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग के बीच में कुछ कुछ स्पेस लगा रखे हैं तो आप समझ सकते हो कि अगर स्पेस है तो उसका मतलब क्या हुआ, स्पेस के पहले स्पेस के बाद एक वर्ड होगा, ठीक है, वो वर्ड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, और आई वर्ड हो गया, लाइक वर्ड हो गया, दिस वर्ड हो गया, प्रोग्राम वर्ड हो गया, वेरी मच ये भी वेरी वर्ड हो गया, मच वर्ड हो गया, तो ये क्या एक तरीके से वर्ड है। तो मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है ये तो ठीक है, लेकिन जो मुझे वर्ड्स हैं इनको रिवर्स करना है। मुझे स्ट्रिंग रिवर्स नहीं करनी है, मुझे जो स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आई यहाँ पे लाइक like, मैं यहाँ पे एल लिखना भूल गई हूँ, एल लिखती हूँ, ठीक है। सो आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, तो मुझे लाइक को क्या करना है, रिवर्स करना है, मीन्स ई के आई एल मेरा आना चाहिए। अब ऐसा मुझे हर वर्ड्स में करने हैं, ठीक है, हर वर्ड्स को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग स्ट्रीम क्लास का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें स्ट्रीम चाहिए, वर्ड क्या है, स्ट्रीम है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रिंग होगी उसमें से हम स्ट्रीम निकाल लेंगे, ठीक है। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम क्या होगी, जैसी गैप देखेगी उस तरीके का छोटा छोटा जो पार्ट होगा, वर्ड जो होगा वो एक स्ट्रीम है, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रिंग में से स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, और फिर एक एक स्ट्रीम को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। सो बस अब यही करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया, ठीक है, स्टोर कराया कि ऐसे में मेरा ये स्ट्रिंग स्टोर है। इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट वर्ड, मुझे एक वर्ड प्रिंट कराने हैं, तो प्रिंट वर्ड नाम से मैंने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन में मैंने एक आर्गूमेंट पास किया एस, स्ट्रिंग मैंने पास की, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा फंक्शन जो है void प्रिंट वर्ड स्ट्रिंग एस टी आर नाम का, ठीक है, वॉइड प्रिंट वर्ड नाम से एक फंक्शन जो है वो मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर सारा काम करने वाली हूँ, ऑपरेशन करने वाली हूँ। सो क्या होगा कि एस टी आर स्ट्रिंग मैंने उस जो एस हमारी स्ट्रिंग हमने पास की थी उसको मैंने एस टी आर नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, वर्ड वेरिएबल मैंने एक लिया जो स्ट्रिंग टाइप का है। वर्ड वेरिएबल मैंने क्यों लिया है, ये जो मेरे पर्टिकुलर स्ट्रीम होगी, वर्ड्स होंगे, उनको मैं क्या करूँगी, उनको मैं वर्ड में स्टोर करूंगी, ठीक है, फिर रिवर्स करूंगी, इसलिए मैंने वर्ड लिया है। इसको वर्ड को स्टोर करने के लिए मैंने वर्ड नाम से एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, जो स्ट्रिंग टाइप का है। इसके बाद क्या होगा कि मैं क्या करूंगी, मेकिंग अ स्ट्रिंग स्ट्रीम, मैं स्ट्रिंग होगी उसको क्या करूंगी, स्ट्रीम बनाऊंगी, स्ट्रीम अलग अलग करूंगी, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, स्ट्रिंग स्ट्रीम जो क्लास होगी उसका मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग स्ट्रीम मैंने यूज किया, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो स्मॉल लेटर में ही है स्ट्रिंग और कोई गैप नहीं है और स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है। और आई एस एस वेरिएबल है जो स्ट्रिंग स्ट्रीम टाइप का है और उसके अंदर मैंने एस टी आर स्ट्रिंग जो है पास। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग स्ट्रीम आई एस एस के ब्रैकेट में जो है एस टी आर, इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम जो हमारी क्लास थी वो क्या थी, आई डबल एस एस, ठीक है। आई डबल एस एस एक वेरिएबल है, एक क्लास है जिसको मैंने स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम का एक क्लास टाइप का है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग पास की। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने स्ट्रिंग पास की, ये क्या कर देगा, स्ट्रीम में उसको डिवाइड कर देगा, और जो स्ट्रीम होगा हमारा वो स्ट्रीम क्या होगा, वर्ड होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में से हम वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और हर एक वर्ड को हमने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब हर एक वर्ड को हमने निकाला उस स्ट्रिंग में से, और उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने क्या कर लिया, उसको मैंने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एस टी आर हो गया ये लाइन। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग को मैंने रीड करने, क्योंकि मैंने स्ट्रीम क्लास में मैंने स्ट्रिंग को पास कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रीम क्लास का काम क्या है, उसको स्ट्रीम में चेंज करना है, स्ट्रीम में उसको डिवाइड करना। अब इसके बाद जो होगा, मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप में क्या हुआ कि वर्ड टू वर्ड हमारा पूरा रीड करेगा, कौन भाई, यूजर रीड करेगा और क्या, प्रोग्राम रीड करेगा, तो वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। इसके लिए हमने वाइल लूप लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग स्ट्रीम जो हमारा टाइप का एक आई एस एस जो था वेरिएबल, उसमें से हमने क्या किया, क्योंकि उसमें तो है स्ट्रिंग, ठीक है। सो हमने उसमें से क्या किया, हमने ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे डबल एरो करके, ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो स्ट्रिंग हमने पास की वाइल लूप में, और उस वाइल लूप स्ट्रिंग से मैंने क्या किया कि एक्सट्रैक्ट किया, किसको किया, वर्ड को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके जो स्ट्रीम हमने एक्सट्रैक्ट की है वो वर्ड में जा करके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे, रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे। एसटीआर लाइब्रेरी में हमें पता है इनबिल्ट फंक्शन है रिवर्स, जिससे क्या होगा कि हमारा रिवर्स हो जाता है सिंपली। तो हम रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ड को रिवर्स करना है, तो हमने वर्ड डॉट बिगिन
कॉमा वर्ड डॉट एंड, ठीक है, ये हमने किया। इससे क्या होगा, इस लाइन से हमारा जो वर्ड होगा, एक पर्टिकुलर वर्ड जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद रिवर्स हो गया सारा, क्योंकि व्हाइल लूप है यहाँ पे, तो एक एक वर्ड को हम चल रहे हैं और रिवर्स करके जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आउटपुट में हमारा वर्ड जो होगा, पूरा जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, उसको हम डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की थी, वो क्या थी, आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रन कराया, और रन कराने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो इसका बिल्कुल एक एक जो हमारे यहाँ पे गिवन होंगे वर्ड, उस वर्ड का जो हर एक वर्ड हमारा रिवर्स ऑर्डर में आएगा। सो आई जो है, आई एक वर्ड है, उसका जो रिवर्स ऑर्डर है वो आई होगा, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है इस वर्ड में। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है, लाइक, तो लाइक वर्ड जो है उसका रिवर्स आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ई ई के बाद के बाद आई, आई के बाद एन, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद जिसका जो वर्ड का जो रिवर्स आया वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे वर्ड्स के, हर एक वर्ड्स के यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में वर्ड्स आ गए, हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या होगा कि ये हमारा स्ट्रिंग का जो भी था ऑल अबाउट एक कॉन्साइज वे में, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा एक दूसरा टॉपिक है, वो क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग शुरू करेंगे और पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया वर्ड को रिवर्स करने वाला, स्ट्रिंग जो होगी गिवन होगी उसमें से जो वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड्स को मुझे रिवर्स करना है। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल कल के क्वेश्चन में होगा, जो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट वाला है वो इसी बेस पे है। ये देखिए मैंने क्वेश्चन मैंने ओपन किया, रिवर्स वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, गिवन स्ट्रिंग होगी उसके जो हर एक वर्ड्स होंगे उसको मैंने मुझे क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा एस इन्होंने इनपुट पास किया वो यहाँ पे डॉट के, मैंने देखिए सेम यही एग्जांपल लिया था, यही सेंटेंस लिया था मैंने एग्जांपल में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डॉट लगा दिया है, ठीक है। सो क्या डॉट के केस में भी वही होगा जो मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा था, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रीम ये स्ट्रिंग स्ट्रीम से मैंने स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया, स्ट्रीम में डिवाइड किया, उसके बाद फिर मैंने वर्ड को रिवर्स कर दिया, रिवर्स फंक्शन किया, क्या यही कोड वहाँ पे लिखा होगा ऐसा कुछ? तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप यहाँ पे ट्राई करिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कोड लिख करके यहाँ ट्राई करिए, अगर रन करें तो ठीक है, वरना मैं तो कल कराऊंगी। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप बीच में दिए गए हैं, ठीक है, डॉट डॉट दिए गए हैं। सो इस केस में डिफरेंट होगा कि सेम होगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।